गाय आ गई है गाइस यहाँ पे, माता गुस्सा ना दिखाना यहाँ पर। अरे अरे अरे, गाय माता आ गई है हमारा यहाँ पर। अरे भाई मेरे स्कूटर में क्यों कर रही है, जा 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 जा, हम मैंने उससे जा कहा तो जा रही है। बाय गाय माता, बाय 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 बाय। अरे आ रही आ रही है। नहीं 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 दाजू, नींबू कैसा दिया? नींबू नींबू 40 रुपये, 40 रुपये किलो, 1 किलो दे दिया। तो दोस्तों अभी 8 बजा है, करीब 8 बजे घर से निकल रहा हूँ। तो मैं 2 किलोमीटर आगे आ गया हूँ गाइस, घूमने निकला हूँ। शनिवार की सुबह है, हल्की हल्की धूप आ रही है, मौसम बदल रहा है जैसे जैसे ना, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है कि ठंड होगी गर्म होगा, ठंड होगी गर्म होगा। फिलहाल सुबह सुबह तो ठंड है और अच्छा रहा कि जैकेट डाल ली और आज तो ग्लव्स भी ले लिए हैं। पहुँच चुका है मुखानी चौराहा, हम निकलते हैं आगे को। कहाँ जाना है अभी पता नहीं है, फिलहाल राइट पर निकले हैं। हाँ सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, मैं धुंध दिख रही है, देखिए हल्की हल्की आपको दिख रहा है, तो क्लियर नहीं है पहाड़, हल्की सी धुंध आई है क्योंकि 19, 20, 21, 22 को है अनदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। देखिए आप दिखने लग गए ना पहाड़, हाँ, कितना अच्छा लग रहा है भाई। मैं काठगोदाम पहुँचाने के लिए यहाँ से करीब 4 किलोमीटर और है काठगोदाम। पेट्रोल तो दिख ही रहा थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा भरवा ही लेते हैं। पेट्रोल हो गया, हम निकलते हैं आगे। अभी हम काठगोदाम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर लगेगा थोड़ा सा जाम। अच्छा हुआ जैकेट डाली, बहुत चिल्ड हवा चल रही है। कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ों को देख के, धूप पड़ रही है सुबह सुबह और ये टैक्सियाँ जा रही हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं भुजिया घाट, यहाँ से रानीखेत 78, अल्मोड़ा 81, नैनीताल 28 एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स, हमें नहीं पता, आप लोग को शायद पता होगा कि आप लोग ने थंबनेल वगैरह देख लिया होगा, बट मुझे बिल्कुल नहीं पता अभी हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल बहुत मज़ा आ रहा है राइड पर, हल्की हल्की धूप खिल रही है और सुबह सुबह बिल्कुल भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। और ये आ गया ट्रक, ट्रक से बचा के। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं दो गाँव, सुबह सुबह बहुत सारी दुकानें अभी बंद हैं क्योंकि अभी बजा होगा करीब 8:30 करीब बजा होगा। तो हम यहाँ से निकलते हैं आगे, डेस्टिनेशन डोंट नो बट द जर्नी इज़ गोइंग आउट टू बी वेरी वेरी चिलिंग, बहुत मज़ा आ रहा है और हम निकले तो गाँव से। बाय बाय। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, पानी पीता हूँ और निकलते हैं आगे। अभी कहाँ जाना है डिसाइड नहीं करा है, देखते हैं अभी आगे नैनीताल वाला कट आते हैं वहाँ से डिसाइड करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना, और हल्द्वानी में तो धूप बहुत तेज़ हो गई है बट पहाड़ों में बहुत अच्छी धूप लग रही है। तो दोस्तों जोलीकोट आ गया, यहाँ से भी निकलते हैं आगे, यहाँ पर कोई हॉल्ट लेने का मेरा इरादा नहीं है। लेट्स कंटिन्यू, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे मोड़ पे, यहाँ से है भवाली 16 किलोमीटर और नैनीताल भी 16 किलोमीटर। तो हम निकलते हैं टूवर्ड्स भवाली, अभी हम नैनीताल नहीं जा रहे हैं। सो लेट्स टेक दिस और चलते हैं भवाली की तरफ को, और भवाली से कैची धाम भी बहुत पास है तो कैची धाम भी जा सकते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों जोलीकोट में ही मैं पहुँच चुका हूँ बीरभट्टी पुल, यहाँ से ये पुल है ना इसको क्रॉस करके जाते हैं आयरन ब्रिज। कितना अच्छा लग रहा है, हल्का सा कहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को जोड़ता है, नीचे बहुत खैरी खाई है और ये हल्द्वानी है, यहाँ से जोलीकोट जहाँ से मैं आ रहा हूँ ना, और वो जो रास्ता ऊपर को जा रहा है वो नैनीताल को जा रहा है, ये जो ऊपर को रोड जा रही है ना नैनीताल को जा रही है, उसी कट से मैंने आपको दिखाया था। और मैं यहाँ से इस पुल को क्रॉस करता हुआ यहाँ से टूवर्ड्स भवाली जा रहा हूँ। स्कूटी यहाँ पार करिए तो निकलते हैं आगे। हाँ ऐसे आयरन ब्रिज क्रॉस करने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए भवाली 14, अल्मोड़ा 67, कर्णप्रयाग 236, और ये है अपना आयरन ब्रिज। हाँ नीचे नदी में पानी भी है, बाकी जगह तो सूखा मिला था, यहीं पे पानी। और यहाँ से हम चले गए दूसरी पहाड़ी में, सो यहाँ का लैंडस्केप थोड़ा चेंज हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हनुमान जी की एक मूर्ति लगी हुई है बड़ी सी, ये भवाली से पहले ही है। तो अगर आप इस रूट से जा रहे हैं तो आप इस मूर्ति का भी दृश्य का आनंद ले सकते हैं। और हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर कुछ मंदिर सा भी है, इसका एंट्रेंस ये है। सो अगर आप इधर आ रहे हैं तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, शिव शक्ति धाम, और यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए गणेश जी की मूर्ति है ना, तो आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। दोस्तों भवाली आने वाला है, यहाँ से 8 किलोमीटर रह गया, भवाली पहुंचने वाले हैं, 8 किलोमीटर रह गया। बहुत ही अच्छा रास्ता है, इतना मज़ा आ रहा है। अभी मैंने पानी पीने के लिए ब्रेक लिया है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से ना आप पहाड़ों में घर दिखाई देने लगे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं यहाँ से आगे, चीड़ के पेड़ है ये देखिए,
वाओ, अब वो उस रोड में मेरे को जाना है, वहाँ से गाड़ी आ रही है ना, चलते हैं आगे। दोस्तों इस नज़ारे का मज़ा लो, हम भवाली से करीब 6-7 किलोमीटर दूर हैं तो रास्ते में व्यू पॉइंट आया है, कितना सुंदर है, देखिए कितना सुंदर है। ये वो रोड है जहाँ से मैं आ रहा हूँ ना, ये देखिए आह कितना सुंदर लग रहा है। ये पहाड़ी वीरान सी है, यहाँ पर कुछ नहीं है और बीच में यहाँ गाँव वाँव है, बीच में से नदी बह रही है, थोड़े गाँव इधर हैं, थोड़े घर इधर हैं, गाँव नहीं कहूँगा घर हैं, और यहाँ पर तो बहुत सारे मकान हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये रोड है यहाँ से मैं आ रहा हूँ और यहाँ से आगे तक नज़ारा बहुत सुंदर है। नीचे देखिए किसी ने ना वहाँ पर पानी जमा करा हुआ है नदी का, देखिए ये बहुत दूर है यहाँ से, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए वहाँ पर पानी जमा करा है ना, छोटा सा पौंड सा दिख रहा है। सो गाइस यहाँ से निकलते हैं आगे और आप भवाली पहुँच के आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फ़ोटो वगैरह निकाली, वीडियो बनाए, अब आगे निकलते हैं, फिर वहाँ से जाएंगे कैची धाम। तो कैची धाम का कोई प्रोग्राम नहीं था बट आई थिंक अब मैं उसके बहुत पास हूँ तो वहाँ कैची धाम ही चलते हैं, क्योंकि कैची धाम का अगर प्रोग्राम होता तो मैं इस रोड से नहीं आता, मैं वाया भीमताल आता। बट प्रोग्राम तो बनते हैं और वो जो प्रोग्राम बनते हैं ना लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ से भवाली सिर्फ 4 किलोमीटर। तो दोस्तों हम लोग वो कट पर पहुँच चुके हैं, यहाँ से अगर हम चाहें 9 किलोमीटर लेफ्ट जाके नैनीताल भी आ सकते हैं, सीधे भवाली, रानीखेत 50, अल्मोड़ा 55। सो यहाँ पे रुक के फ़ोटो खींचते हैं, अच्छी जगह है। ये देखिए भवाली 2 किलोमीटर, अल्मोड़ा 55, कर्णप्रयाग 221 और पीछे गाय माता भी है। अरे 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 गाय माता, मानना नहीं, ना 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 ना, अरे गाय आ गई, गाय चल 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 गाय आ गई है गाइस यहाँ पे, माता गुस्सा ना दिखाना। तो गाइस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, भवाली पहुँच चुके हैं, नैनीताल यहाँ से 9 किलोमीटर, हल्द्वानी 38, सो मैंने करीब 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है और मैं इस कट पर पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। अरे 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 गाय माता आ गई है हमारा यहाँ पर। अरे भाई मेरे स्कूटर में क्यों कर रही है, जा 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 जा, हाँ मैंने उससे जा कहा तो जा रही है, आगे से तो नहीं आ रही। सो गाय हम लोग पहुँच चुके हैं कैसे, तो गाय माता चली गई है, प्यार करने आई थी, प्यार करते चली गई। सो चलते हैं आगे, गाय माता को बाय कर देते हैं, बाय बाय गाय माता, बाय 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 बाय। अरे आ रही है, आ रही है, नहीं 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 कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखा रही है फिर आ रही थी और मैं आगे यहाँ से निकलता हूँ। तो दोस्तों आ चुका है भवाली, यहाँ से भवाली की एंट्री शुरू हो जाती है और अब यहाँ से थोड़ी देर में मार्केट आ जाएगा। सो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आज, अच्छी धूप खिली हुई है, क्लियर आसमान है, हल्की सी धुंध है जो कि बारिश आने वाली है ना 2-3 दिन बाद उसके लिए है, और बहुत अच्छा ट्रैवल करने का ये फरवरी मिड फेब में बहुत अच्छा बना हुआ है। देखते हैं नीम करौली बाबा के दर्शन करके आज वहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है और कैसा लगता है वहाँ पे। तो दोस्तों भवाली को एंजॉय करिए आप, यहाँ से भवाली शुरू हो जाता है, तो अगर आप लोग ने भवाली नहीं देखा तो आप देख लीजिए। भवाली छोटा सा एक स्टेशन है जो कि अल्मोड़ा, रानीखेत और बाकी पिथौरागढ़ साइड जाने से पहले पड़ता है, नैनीताल के पास है। ये देखिए कोतवाली, भवाली जनपद, नैनीताल, या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से सबसे नियरेस्ट जो एक बहुत बड़ा मंदिर है नीम करौली बाबा का, यहाँ देखिए 7 ताल 13 कौसानी 97 और मोड़ा 53 नैनीताल 50, और ये आ चुकी है अपनी भवाली की बाजार। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स रेस्टोरेंट मिलेंगे और अभी सुबह का समय है ना तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है, मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। तो ये पहाड़ का एक काफ़ी बड़ा कहेंगे यहाँ पर एक बाज़ार है जहाँ पर लोग शॉपिंग वॉपिंग करने आते हैं और अपना डेली नीड्स का सामान लेने आते हैं। ये देखिए और यहाँ पे पहाड़ी फल वल नींबू वीबू बहुत सारे मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे यहाँ का स्टेशन है मतलब टैक्सी स्टैंड है, और यहाँ से हम अगर हम हल्द्वानी से आते तो यहाँ से आते, अब हम यहाँ से कैची धाम की तरफ को जा रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ का केमू बस अड्डा है, तो यहाँ की मार्केट, यहाँ की बाज़ार,
यहाँ पे कई होम स्टे वगैरह भी हैं, देखिए आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे होटल होम स्टे, तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। चलिए आप मिलते हैं कैंची धाम मंदिर। तो दोस्तों यहाँ से कैंची धाम भवाली से करीब 7 किलोमीटर है, रास्ता बहुत ही अच्छा है और आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मंदिर जाने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं तब वहाँ पर जाम मिल सकता है, बाकी यहाँ पर कई दिन तो लाखों लोग भी आ जाते हैं एक दिन में ही, इतने ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, भक्त आते हैं, दर्शन करने आते हैं, बाबा जी के दर्शन करने आते हैं। और रास्ता बहुत ही अच्छा है, रोड अच्छी है, बीच में कोई रेस्टोरेंट मिलेगा नहीं, वहीं पर मिलेगा, या तो भवाली में मिलेगा या फिर आपको कैंची धाम में खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो चलिए पहुँचते हैं कैंची धाम। क्या आपको नीचे नीम करौली बाबा कैंची धाम का मंदिर दिखने लगा है? यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है, बट यहाँ से ऊपर हैं हम लोग, तो पहाड़ से आपको नीचे मंदिर दिख रहा है और आगे वाले कट से और अच्छी तरह दिखेगा। सो हम लोग मंदिर पहुंच ही गए फाइनली, बिना प्रोग्राम के हमें आज पहुंचना होगा, तो आज हम पहुंच गए। देखिए बाबा नीम करौली बाबा का मंदिर, नीचे पार्किंग बनी हुई है, रोड अच्छी है, बट थोड़ा गाड़ी हल्के 30-40 की स्पीड में ही चलाएं। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है कैंची, सो कैंची इस जगह का नाम है और कैंची धाम बाबा नीम करौली बाबा का जो मंदिर है उसे बोलते हैं कैंची धाम। तो बहुत मान्यता है यहाँ पर, इन्हें हनुमान जी का एक अवतार माना जाता है बाबा नीम करौली बाबा जी का, और इन्होंने बहुत समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करे हैं, इसलिए लोग इन्हें बहुत मानते हैं और यहाँ पे लाखों की संख्या में आते हैं हर दिन। तो चलिए मंदिर की तरफ भी चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं जहाँ पर स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। यहाँ पर स्कूटर रोका जाए अल्मोड़ा 46 कर्ण प्रयाग 212 और कैंची धाम 0। सो हम लोग पहुँच चुके हैं कैंची धाम। तो दोस्तों आ चुका है मंदिर, यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है। तो दोस्तों मैं नीम करौली बाबा जी के मंदिर कैंची धाम पहुँच चुका हूँ, इसका दर्शन मैं आपको मंदिर के दर्शन में आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा, फिलहाल आप यहाँ से वीडियो में मंदिर का दर्शन करिए। तो दोस्तों मैं वापसी में भवाली पहुँच चुका हूँ, यहाँ से अब मैं दूसरा रास्ता लूँगा वापस लौटने के लिए। आते समय मैं जोलीकोट होते हुए आया था ना, इस बार मैं भीमताल होते हुए जाऊँगा। तो ये आगे कट है, वहाँ पर दिखाता हूँ, वहाँ से नैनीताल की तरफ एक रोड जाती है जो मैं छोड़ दूँगा और मैं जाऊँगा टूवर्ड्स भीमताल। तो भीमताल आपको दिखाते हैं, और ये देखिए वापस मार्केट आ गई भवाली की। तो अगर आप चाहें तो आप प्रसाद यहाँ से भी ले सकते हैं मंदिर के लिए, बाकी एक कट है देखिए, अगर मैं ऊपर को चला जाऊँगा ना तो वो नैनीताल पहुंच जाएंगे जहाँ से हम आए थे, ये राइट हैंड साइड को, और मैं इधर को जाऊंगा तो हल्द्वानी और भीमताल। तो आया भीमताल, तो यहाँ की मार्केट लगी हुई है, यहाँ पर नींबू पूछता है नींबू। दाजू नींबू कैसा दिया? नींबू 40 रुपये किलो, 1 किलो दे दिया। तो यहाँ से नींबू लेते हैं, पहाड़ी नींबू है, इसको घर में जाके सान के खाएंगे। और कोई आ रहा पहाड़ी फल अभी तो नहीं है। हाँ, अगर आप इधर आए तो आप ये जरूर लेके जाए, यहाँ से एक पहाड़ी नींबू होता है, यहाँ के हमारे पहाड़ में होता है, यहाँ की पहाड़ी दाल है ये देखिए। तो नींबू लिया, पहाड़ी नींबू लिया यहाँ से भवाली से, उसको घर में जाके सान के खाएंगे ना, उसमें दही मिर्च हरा धनिया मूली और गुड़ ये सब डाल के ना बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग ने अगर नहीं खाया तो ज़रूर खाना कभी। यहाँ से पहाड़ी नींबू लेके जाना, उसका छिकल निकालना और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाना, दही वगैरह, और भांग की चटनी होती है ना, भांग भी मिलता है यहाँ, वो मिलाना तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। बाकी अब मैं आपको यहाँ से भीमताल होते हुए लेके जाता हूँ, ये वो मार्केट है जो भवाली की मैंने आपको दिखाई। सो बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भीमताल, यहाँ से आप देखिए ना ऊपर से भीमताल का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। तो ये रास्ता बहुत छोटा है, वहाँ से मैं आया था ना वो करीब 10-12 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता होगा। तो देखिए मैं इतनी जल्दी यहाँ से भीमताल आ गया हूँ, अभी खुटानी आ गया, खुटानी यहाँ से भीमताल 2 किलोमीटर होगा, लेकिन यहाँ से ऊपर से जो भीमताल का नज़ारा है ना वो दिखने लग गया। तो भीमताल पहुँच के आप लोग को वहाँ का नज़ारा भी दिखा देता हूँ, देखिए सामने दिख रहे हैं ना आपको छोटे छोटे घर,
वो देखिए वो सब भीमताल है, लेक भी दिख रही है यहाँ से, वो लेक दिखने लग गई। तो ये खुटानी बेंट आ गया है, यहाँ से मुक्तेश्वर को रास्ता जाता है और ये हल्द्वानी भीमताल को। तो दोस्तों ये भीमताल की छोटी सी बाजार है, भवाली की बाजार इससे बड़ी है शायद, ये थोड़ी छोटी है उससे, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ से आपको आपका डेली नीड्स का सामान मिल जाएगा, बाकी बड़ी शॉपिंग करने के लिए तो सब लोग हल्द्वानी के आते हैं। तो ये भीमताल पहुँच गए, आपको लेक दिखाता हूँ। और दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भीमताल, भीमताल लेक आपके सामने है, यहाँ से आप भीमताल लेक के दर्शन करिए। ये देखिए सामने भीमताल लेक दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। और नैनीताल आप घूमने आए तो ये भी एक पॉइंट आप कवर कर सकते हैं। देखिए ये देखिए सामने से आपको नैनीताल की भीमताल लेक दिखाई दे रही है। तो गाइस दिस इज़ भीमताल लेक। अगर मैं आपको सुबह यहाँ से आता तो ये लेक सुबह दिखाता, बट अभी मैं लौटते हुए यहाँ से जा रहा हूँ तो आपको लौटते हुए दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर लग रही है। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं आगे को। देखिए बोटिंग हो रही है ना, तो मैं यहाँ से हल्द्वानी की तरफ को निकल रहा हूँ। ये लेक काफ़ी बड़ी है, ये नैनीताल लेक से भी बड़ी है। देखिए सबसे बड़ी लेक है इधर की, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की ना सबसे बड़ी लेक है भीमताल लेक। देखिए एक किनारे से दूसरे किनारे कितना लंबा है, वो दूर छोड़ता है। आगे लगा हुआ है जाम, क्यों लगा हुआ है निकालते हैं। जाम मिल गया, जाम स्कूटर में आने का फायदा ही है ना, स्कूटर तो निकल जाते हैं। काफी लंबा जाम लगा होगा यहाँ पे, क्यों लगा होगा आगे जाकर पता लगेगा। टू व्हीलर से आने का फायदा है कि आप साइड से निकल सकते हैं। पुलिस वाले जो खड़े हैं उनको बताया कि भीमताल होते हुए मत भेजो, बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है। तो यहाँ से गाड़ी डाइवर्ट कर रहे हैं हम जोलीकोट होते हुए, और हम लोग पहुँच चुके हैं रानीबाग।